क्या भविष्य में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है? राजनीति में उनका क्या भविष्य है? तो जवाब है शायद नहीं। नहीं मिल पाएगी योगी जी को दिल्ली की सत्ता की कमान। अब इस नहीं के पीछे की वजह क्या है, चलिए थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। ज्यादा पीछे नहीं, बस 2014 से। वास्तव में जब 2014 में बीजेपी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया, उस समय उन्हें बीजेपी के भीतर कुछ खास विरोध या प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता मोदी जी के बीजेपी के अंदर बढ़ते हुए कद से खुश भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई गुटबाजी नहीं हुई। शायद गुटबाजी ना होने का एक कारण था क्योंकि बीजेपी कई सालों से केंद्र की सत्ता से दूर थी और 2014 में वो सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से बेताब थी। बीजेपी के नेताओं को इस बात का आभास हो चुका था कि अगर बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है तो मोदी ही उसका एकमात्र विकल्प है। आम जनमानस के बीच में मोदी जी की लोकप्रियता अद्वितीय थी। इसका कारण शायद ये था कि लोग कांग्रेस के आए दिन सामने आने वाले घोटालों और उसकी नीतियों से उब चुके थे और उन्हें हर हालत में एक बदलाव चाहिए था। जनता को एक चमत्कारी नेता चाहिए था। मोदी जी का उस समय एक मानक ट्रैक रिकॉर्ड था। जनता को मोदी जी की विकास पुरुष की छवि, हिंदुवादी पहचान और ओजस्वी भाषण शैली ने प्रभावित किया। इस तरह से जनता को उसका चमत्कारी नेता मिल गया और बीजेपी को जनता के बीच बहने वाली लहर दिखने लगी। इसके बाद मोदी लहर ने क्या कमाल किया, इससे तो हर कोई परिचित है। अब सवाल के जवाब पर चलते हैं। पहले थोड़ा सा योगी जी के बारे में बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की पहली छवि एक कट्टर हिंदुवादी नेता के रूप में है। हमारे, आपके और ज्यादातर किसी के भी दिमाग में योगी आदित्यनाथ सुनते ही पहली छवि यही आती है। योगी लगभग 16 वर्ष के थे, एक सांसद रहे हैं गोरखपुर के और पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में योगी की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में अपराधियों पर अंकुश लगाना मात्र ही एक है। अपने 3 सालों के कार्यकाल में योगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उन्हें एक विकास पुरुष कहा जा सके। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किया, लेकिन उसकी चाल और प्रकृति में कुछ बदलाव नहीं है। दूसरी बात पर गौर कीजिएगा कि योगी जी मोदी जी की तरह चहुमुखी वक्ता नहीं है। योगी कुछ विशेष विषयों पर बोलने में ही प्रभावशाली हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए आने वाले समय में भी हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये भविष्य है और एक दिन होना ही है। अमित शाह किसी भी दिन योगी के ऊपर भारी पड़ेंगे। अगर योगी की झोली में यूपी में अपराध रोकने का श्रेय है तो शाह के पास पूरे देश में आतंकवाद, नस्लवाद और आए दिन होने वाले बम धमाके काफी हद तक कम करने का श्रेय है। मतलब अगर अमित शाह आगे नहीं है तो बिल्कुल डटकर बराबरी में खड़े हैं। आगे फिर अमित शाह के पास कठोरतम और मुश्किल फैसले लेने का वैध श्रेय है। धारा 370, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ट्रिपल तलाक और न जाने क्या क्या उनकी प्रोफाइल में है। योगी जी यहाँ पर बहुत पीछे हो जाते हैं। अमित शाह का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बीजेपी में, जबकि योगी का ग्राफ रुक सा गया है। यही नहीं, अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो अमित शाह एक साहसी, कुशल, प्रखर और ओजस्वी वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। बीजेपी कितनी वृहद स्तर पर विजय पताका फहराने में अमित शाह का बड़ा योगदान माना जाता है। यहाँ तक कि लोग उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहते हैं। दूसरी बात, बीजेपी का अध्यक्ष और फिर गृह मंत्री के रूप में अमित शाह पूरे देश की राजनीति और गवर्नेंस की बेहतर जानकारी रखते हैं। एक और अहम बात, अमित शाह अपनी पकड़ केंद्रीय संगठन में मजबूत कर चुके हैं और एक सख्त छवि है उनकी, जिसके चलते उनके प्रति विद्रोह या गुटबाजी के कम चांसेस हैं। अब आप ये मान लीजिए कि मोदी जी बीजेपी की अपनी खुद की पॉलिसी से बाहर जाकर 2029 तक पीएम बने रहेंगे, इसकी प्रबल संभावना है। फिर 2029 में सत्ता की बागडोर अमित शाह के हाथों में जाएगी, ना कि योगी आदित्यनाथ के। अमित शाह अभी 52 वर्ष के हैं और 2029 में वो लगभग 64 वर्ष के होंगे और पूरी तरह दो पंचवर्षीय पीएम बने रहेंगे, मतलब 2039 तक। 2039 में बीजेपी के अंदर बहुत सारे तेजस्वी और काबिल नेता उभर कर आ चुके होंगे और योगी जी का एक्सेप्टेंस कम होगा। इस समय योगी जी की उम्र है 47 और तब वो हो जाएंगे 66 वर्ष के। जैसा कि समय का चक्र घूमता है और कभी एक जगह या किसी एक ओर में नहीं रुकता, उसी तरह बीजेपी हमेशा नहीं जीतेगी। 2039 तो दूर की बात है, 2024 से ही बीजेपी को कांग्रेस और बाकी के खिलाफ तो लड़ना ही होगा, साथ ही साथ बीजेपी से भी लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी 2039 तक 25 वर्ष शासन कर चुकी होगी तो उसके जीतने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। और फिर जब दोबारा बीजेपी जीतेगी, शायद उस समय तक योगी जी का कद बहुत कम हो जाए बीजेपी में और उनको दिल्ली की कमान कभी ना मिले।
राजनीति में योगी आदित्यनाथ का भविष्य। ऐसा नहीं है कि अगर योगी जी पीएम नहीं बनेंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य होगा ही नहीं। मेरे अनुसार अभी अगले 5 वर्ष भी योगी जी सीएम बने रहेंगे कम से कम। इसके बाद 1-2 पंचवर्ष ये वो सीएम बने रह सकते हैं। बाद में हो सकता है कि वो बीच में अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश हारती है तो वो केंद्र चले जाएं और कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी कई खबरें जानकारी आप तक हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।